पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस रिलेटिंग टू न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन लिगेंड्स एंड देयर रोल इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ओके, तो आज एक नया टॉपिक एकदम आप देखेंगे कि आपने न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस पढ़ी होंगी, अलग अलग ऑर्गेनिक में पढ़ी होंगी, कहीं पर इनऑर्गेनिक में भी आपने पढ़ी होंगी, लेकिन यहाँ पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हैं या इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हैं वो है लिगेंड के ऊपर अटैक अगर करेंगे न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल, उसकी हम बात कर रहे हैं, और बात कर रहे हैं मेटल कॉम्प्लेक्स की। तो एक मेटल कॉम्प्लेक्स में मेटल के ऊपर अटैक नहीं कर रहे न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, बल्कि वो किसके ऊपर अटैक कर रहे, वो अटैक कर रहे लिगेंड जो उससे जुड़ा हुआ है मेटल के साथ, तो उस पे अटैक की हम बात कर रहे हैं। और ये जो अटैक है न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक जो अटैक है उसका ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। और इसमें हम स्पेशली देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक, तो काफी डिटेल में हम देखेंगे, उसके लिए हम रूल भी पढ़ेंगे, तो उससे हमें पता चलेगा कि कैसे वो अपना रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। तो अगर हम न्यूक्लियोफिलिक या इलेक्ट्रोफिलिक अटैक की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोफाइल है उसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो वो जो है वो वहां अट्रैक्ट होगा जहां जो कि नेगेटिवली चार्ज होगा। तो आप ये देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर रहा है, और कुछ ऐसे लिगेंड हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो या तो ये रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, या हम ऐसी रिएक्शन की बात कर रहे हैं जहां पर एक मेटल कॉम्प्लेक्स है और उसमें दो तरीके के लिगेंड हैं, एक लिगेंड जहां पर कोई अटैक नहीं हो रहा है और एक लिगेंड ऐसा जिस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो हम पूरी जो बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन लिगेंड, तो लिगेंड के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करते हैं, कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पर वो अटैक करते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें मेटल कार्बन मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, और मेटल क्या कर सकता है, इट कैन एक्टिवेट अ लिगेंड। मेटल क्या कर सकता है, मैंने आपको बताया भी था कि ये अगर एक ओलिफिन है, ओलिफिन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होती है, और जब एक मेटल से बाइंड होती है तो मेटल से बाइंड होने पर क्या करती है, अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को ये देता है। तो जब ये मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये जो ओलिफिन है ये क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। किसके लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो इस पर कौन अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक इसको कौन एक्टिवेट कर रहा है, मेटल सेंटर। तो मेटल सेंटर क्या करता है, ये लिगेंड्स पर इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल अटैक को एक्टिवेट करता है। अब इसमें जो अटैक होगा वो किसका होगा, एक्सटर्नल रिएजेंट्स होते हैं जैसे न्यूक्लियोफाइल्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स हो सकते हैं, वो अटैक करेंगे पाई बॉन्डिंग लिगेंड पर। ये पाई बॉन्डिंग लिगेंड पर अटैक करेंगे बिना मेटल पर अटैक किए हुए। तो मेटल पर कोई अटैक हम नहीं पढ़ रहे, हम ये पढ़ रहे हैं कि जो इस मेटल से जो जुड़ा हुआ जो लिगेंड है, जनरली वो आप देखेंगे कि वो पाई बॉन्डेड लिगेंड्स होंगे, उन लिगेंड्स पर न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक करते हैं, कौन सी ऐसी कंडीशंस होगी जब ये अटैक करेंगे। तो क्या चाहिए, जब भी एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी तो वहां पर अगर हम अटैकिंग रिएजेंट देखें, तो अभी हम पहले बात कर रहे हैं कि जब अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल यानी जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होंगे, जैसे OH- हो सकता है, LIME है, OME- है, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ME में भी पॉसिबल, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे। और न्यूक्लियोफाइल कब अटैक करेगा इस लिगेंड के ऊपर, तो आप ये देखेंगे कि एक मेटल सेंटर है, ये जो मेटल सेंटर है ये मेटल सेंटर के साथ कुछ और लिगेंड भी जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ उस लिगेंड की बात कर रही हूँ जिसमें डबल बॉन्ड है। तो मैं ये बात कर रही हूँ कि इस लिगेंड के ऊपर न्यूक्लियोफाइल कब अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल कब अटैक करेगा, जब इस लिगेंड की टेंडेंसी होगी कि आसानी से क्या ले ले, न्यूक्लियोफाइल का अटैक। न्यूक्लियोफाइल का अटैक कब होगा,
अटैक तब होगा जब ये मेटल सेंटर कैसा होगा, ये मेटल सेंटर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो ये जितना अधिक मेटल डेफिशिएंट होगा उतना अधिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ये जो मेटल सेंटर है वो जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उतना वो इस लिगेंड से इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, और जितना लेगा उतना आसानी से इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। तो आप ये देखेंगे कि जो एम एल एन पार्ट है इट शुड बी अ गुड पाई सिग्मा एसिड, ये एक अच्छा सिग्मा एसिड है या पुअर पाई बेस, या तो ये इलेक्ट्रॉन मतलब दे नहीं पा रहा, ये वाली जो टेंडेंसी इसकी नहीं है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन रिच नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा और लेने के बाद इस लिगेंड को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा, इसलिए इस पर आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो कंडीशंस हैं, हर कंडीशन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता है। तो न्यूक्लियोफाइल तभी अटैक करेगा जब ऐसी कंडीशन बनेगी, और वो कंडीशन क्या होगी कि जो मेटल सेंटर है ये क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, तब ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं या तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर मेटल जो है वो हाईली पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज हो, तब जाके इस लिगेंड के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। या फिर क्या हो सकता है कि ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके साथ जो लिगेंड जुड़े हुए हैं, दीज लिगेंड शुड बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ये ग्रुप कैसे होंगे, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे तब आप देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से खींचेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा देन इट कैन इजीली टेक अप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस लिगेंड एंड न्यूक्लियोफाइल कैन इजीली अटैक ऑन दिस लिगेंड। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए जरूरी है कि मेटल सेंटर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, या फिर वो उससे जो लिगेंड जुड़ा हुआ है इट शुड बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। नेक्स्ट आप देखेंगे जो दूसरा हम रिएजेंट की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोफाइल की कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कब अटैक करेगा। तो आप देखिए ये H प्लस हो सकता है, NaI हो सकता है, E प्लस हो सकता है, दीज में भी द इलेक्ट्रोफाइल्स, और इलेक्ट्रोफिलिक अटैक किसी भी सेंटर पर कब होगा। ये इस तरीके से ये लिगेंड जुड़ा हुआ है, ये एक लिगेंड है। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का मतलब है कि इसके ऊपर कैसा चार्ज होना, नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी नहीं होना, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होना। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी कब होगी, इस पर इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी कब होगी, जब ये जो पार्ट है, जब ये एक अच्छा डोनर होगा, जब ये इससे तो इलेक्ट्रॉन लेगा और लेने के बाद यहाँ इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट करेगा, तो ये कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो जाएगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो गया तो इस पर आसानी से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो इसका मतलब इस केस में जो एम एल एन पार्ट है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रवृत्ति होनी चाहिए, अगर इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इसकी अगर टेंडेंसी है देन इट इज अ पुअर सिग्मा एसिड बट इट इज अ गुड पाई बेस, ये एक अच्छा पाई बेस है क्योंकि ये बैक बॉन्डिंग कर रहा है। तो आप देखेंगे कि कंडीशंस अलग अलग होनी है कि कब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होना और कब इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होना है। तो यहाँ पर आप दो कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स है आयरन का कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर देखिए पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है मतलब ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा क्या है, यानी आयरन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब कि ये केवल इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, और जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो देन मेक इट इलेक्ट्रॉन efficient and then this nucleophile can easily attack on this, nucleophile आसानी से अटैक कर सकता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जो है वो आसान है क्योंकि यहाँ पर आयरन के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, मतलब ये जो आयरन सेंटर है वो इलेक्ट्रॉन रिच है एंड इट कैन बैक बॉन्ड विद दिस ओलिफिन एंड देन दिस इलेक्ट्रोफाइल कैन इजिली अटैक ऑन दिस, इलेक्ट्रोफाइल आसानी से इसमें अटैक कर सकता है। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको बताया जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है अम्पोलंग की वजह से। अम्पोलंग मैंने आपको बताया था कि जो ओलिफिन की जो रिएक्टिविटी थी उसको रिवर्स कर दे, इसकी रिएक्टिविटी को रिवर्स कर दे, जो जो भी कोई फिनोमिना उसे हम कहते हैं अम्पोलंग। और ये कब होता है, ये तब होता है जबकि आपने देखा कि इसके साथ ऐसा मेटल सेंटर है जो इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, ये केवल इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस रिंग को इस ओलिफिनिक लिगेंड को क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा और देन इजीली न्यूक्लियोफिलिक अटैक
टेक्स प्लेस। जबकि अगर आप फ्री ओलिफिन देखेंगे तो फ्री ओलिफिन में क्या होता है, फ्री ओलिफिन में इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो पी इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास है, तो इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इट इज इलेक्ट्रॉन एफिशियंट। और जब इलेक्ट्रॉन एफिशियंट है तो इस पर कौन अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो जब इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता था जब ये फ्री होती थी, लेकिन जब ये इस तरीके के मेटल सेंटर के साथ बाइंड होगी तो इसकी जो रिएक्टिविटी है वो रिवर्स हो जाएगी, यानी न्यूक्लियोफिलिक अटैक आसानी से होगा। इस तरीके के फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसको अम्पोलंग। अम्पोलंग का यहाँ पर महत्व है क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक अटैक वहीं पर होगा जहां पर अम्पोलंग होगा, जहां पर मेटल जो है वो केवल इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए आप देखेंगे जो एल्कीन बाइंड होती है मेटल से वो क्यों होती है, क्योंकि मेटल को एल्कीन इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, तो इस वजह से और इस वजह से इस पर आसानी से क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो सकता है। ठीक है, तो कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्यों होता है। ये मैंने आपको बता दिया है कि अम्पोलंग हम इसे कहते हैं कि इन्वर्जन ऑफ जो केमिकल करेक्टर है ओलिफिन्स का ड्यू टू इट्स बाइंडिंग विद द मेटल सेंटर इज कॉल्ड एज अम्पोलंग। तो अगर आप देखेंगे कि बेंजीन को अगर आप देखेंगे इटसेल्फ, बेंजीन जो है वो इट अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, इट अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक जब ये फ्री होगी, बट व्हेन इट इज बाइंड टू मेटल सेंटर, जब ये मेटल से बाइंड होगी तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है, देन इट इज प्रोन टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑल्सो, जो नॉर्मली नहीं होता, तब ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए भी प्रोन हो जाएगी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देगी तो इट विल बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो ओलिफिनिक लिगेंड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मेटल सेंटर कैसा है। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये जो मेटल सेंटर है ये इसलिए डेफिशिएंट है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है देन दिस डबल बॉन्ड इज प्रोन टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो ये एक न्यूक्लियोफाइल की अटैक करेगा क्योंकि फास्फोरस जो है उस पर इलेक्ट्रॉन पेयर होता है और वो इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट करके यहाँ पर देखिए ये जो फॉस्फीन है ये यहाँ पर अटैक करेगा और ये यहाँ से कार्बन से जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया। अगेन आप देखिए कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जब इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो इसके साथ ये न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक होगा और न्यूक्लियोफाइल जब अटैक होगा तो ये एक साइड की कार्बन से अटैक होगा और ये इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्योंकि हमें पता चल गया है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है मतलब ये आसानी से एक न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट कर सकता है। अब आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई चार्ज तो नहीं है बट आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ग्रुप्स हैं, देखिए सीएल ग्रुप, सीएल ग्रुप कैसे होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। व्हेन सीएल आर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप देन ये जो प्लेटिनम है इस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जब इस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी डिक्रीज होगी तो जाहिर है ये इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ ले लेगा और इस पर भी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगी, यानी इस पर इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज होगी तो ये जो एन है ये आसानी से अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे सकता है क्योंकि वहां पर क्या आ गया, कमी आ गई है, तो इसलिए जो है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक आसानी से हो सकता है। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं इनके लिए एक रूल है, दैट इज ग्रीन डेविस मिंगोज रूल, जिसे हम डीजीएम रूल भी कहते हैं, और ये रूल स्पेशली फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के लिए ग्रीन डेविस मिंगोज रूल्स हैं और ये रूल किसने दिए, स्टीफन जी डेविस ने, मैकोल्म ग्रीन ने एंड माइकल मिंगोज ने 1978 में ये रूल दिए कि कब कब और कैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती है। तो ये जो रूल है इट प्रिडिक्ट्स द ससेप्टिबिलिटी ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक आफ्टर कॉम्प्लेक्सेशन। ये रूल क्या बताता है, ये रूल हमें ये बताता है कि एक हाइड्रोकार्बन जब एक मेटल सेंटर के साथ जुड़ता है, कैसा हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, ओलिफिन की बात कर रहे हैं, तो एक ओलिफिन जब एक मेटल सेंटर के साथ जुड़ता है तो फिर ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए जो ओलिफिन है वो किस तरीके से ससेप्टिबल है, उसके लिए कुछ रूल हैं, वो रूल दिए थे ग्रीन डेविस एंड मिंगोज ने। एंड दीज रूल्स दे आर जनरली अप्लाइड फॉर 18 इलेक्ट्रॉन मेटल कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग मल्टीपल अनसैचुरेटेड लिगेंड्स। तो ये जो रूल है वो उन कॉम्प्लेक्सेस के लिए अप्लाई होंगे जहां पर क्या होगा, एक तो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होंगे, दूसरा आप देखेंगे जो मल्टीपल अनसैचुरेटेड लिगेंड्स होंगे, एक से ज्यादा
अनसेचुरेटेड लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे वहां पर ये रूल अप्लाई होता है। ठीक है, अब ये रूल क्या है, इस रूल के लिए हमें पहले कुछ सिस्टम जानने होंगे। उस रूल के लिए हम सिस्टम जानेंगे, एक हमें सिस्टम जानना है, वैसे हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं पॉलीइन क्या होता है और पॉलीइनाइल क्या होता है। तो अगर मैं पॉलीइन लिगेंड की बात करूं तो पॉलीइन लिगेंड जो है वो जनरली इवन इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा ओलिफिन, जैसे मैंने आपसे कहा ब्यूटाडाइईन, कहा जैसे मैंने आपसे कहा ट्राइईन। ट्राइईन अगर हम देखेंगे तो अगेन ये देखिए, अगर आप इसको देखेंगे तो ये ईटा टू टाइप है, दो इलेक्ट्रॉन डोनर है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये ईटा फोर टाइप है, अगर आप इसको देखेंगे तो ईटा सिक्स टाइप है। मतलब इवन नंबर के इलेक्ट्रॉन दे कैन डोनेट और इवन नंबर के कार्बन एटम से ये जुड़ा हुआ होगा। अगर मैं इनाइल की बात करूं, पॉली इनाइल की बात, तो पॉली इनाइल में क्या होगा कि जनरली ऑड इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए जाते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल आपने एलाइलिक इनाइल सिस्टम देखा, एलाइलिक सिस्टम तीन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, थ्री इलेक्ट्रॉन सिस्टम। देन आपने साइक्लोपेंटा डाइनाइल भी देखा और आपने क्या देखा, आपने देखा जो ऐसे जोड़ देते हैं इसको साइक्लोपेंटा डाइनाइल, ये देखिए। तो साइक्लोपेंटा डाइनाइल के केस में अगर आप देखेंगे, बल्कि हम इसे ऐसे दिखा देते हैं, तो ये क्या है ईटा फाइव है और ये क्या है ईटा थ्री है, ईटा सेवन। तो जो कि जिनमें ऑड कार्बन एटम्स के थ्रू मेटल सेंटर जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, पॉली इनाइल लिगेंड्स। तो हमें दो चीजें हमने जान ली है, पॉलीइन किसे कहते हैं और हम पॉली इनाइल लिगेंड किसे कहते हैं। अभी जो लिगेंड्स हैं दे में भी ओपन और दे में भी क्लोज्ड। तो अब ये आपने देखा कि ये जो लिगेंड है एलाइलिक लिगेंड, ये क्या है, ये है इनाइल लिगेंड और ओपन। ये ओपन का मतलब है कंजुगेशन नहीं होगा और क्लोज का मतलब है कि कंजुगेटेड सिस्टम होगा। तो ये क्या है, ओपन भी है और ये पॉली इनाइल है। ये कैसा सिस्टम है, ये पॉली इनाइल है लेकिन ये क्लोज्ड सिस्टम। देखेंगे यहां पर, देखिए ये जो सिस्टम है ये ओपन सिस्टम है और ये कैसा है, पॉलीइन सिस्टम। और अगर हम इस सिस्टम को देखें जो हमने साइक्लोब्यूटाडाइन कहा है, तो साइक्लोब्यूटाडाइन कैसा होगा, ये क्लोज्ड सिस्टम है और ये कैसा है, पॉलीइन है। तो पॉलीइन अलग चीज है, पॉलीइनाइल अलग चीज है, ऑड अलग है और इवन अलग है। और अभी आपने देखा ओपन एंड क्लोज, अब हम देखेंगे ऑड एंड इवन। ऑड एंड इवन का मतलब आप समझ गए कि जो ऑड जिनकी हेप्टासिटी होगी वो ऑड होंगे और जिनकी हेप्टासिटी इवन होगी वो क्या होंगे, इवन। अब आप देखिए फॉर एग्जाम्पल यहां पर ओपन है, ओपन है, इवन है, एक दो तीन चार इवन है और क्या है, इसलिए पॉलीइन है। इसको देखिए ये क्लोज्ड है और वन टू थ्री फोर यानी ईटा फोर है, अगेन ये क्लोज्ड है लेकिन पॉलीइन है। यहां पर अगर आप देखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव कैसा है, ऑड है, ओपन है, पॉलीइनाइल है। इसको आप देखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव पॉलीइनाइल है, क्लोज्ड है और ऑड है। तो हमें क्या जानना है, हमें तीन चीजें जाननी है, पॉलीइन, पॉलीइनाइल, ओपन एंड क्लोज्ड एंड इवन एंड ऑड। ठीक है, इन्हीं के ऊपर क्या है, ये रूल्स बेस्ड है। तो तीन रूल दिए हैं इन्होंने, जो जो डीजीएम रूल्स है, थ्री रूल्स हैं। पहला रूल क्या है, आप देखेंगे कि जो कोऑर्डिनेटेड पॉलीइन्स होती हैं, ठीक है, वहां पर आप देखेंगे कि जो इवन कोऑर्डिनेटेड पॉलीइन्स होती हैं दे रिएक्ट प्रायर टू द ऑड कोऑर्डिनेटेड पॉलीइनाइल लिगेंड्स। तो आपको ये जानना है, रूल फर्स्ट ये कहता है कि इवन, जो इवन, जो इवन का मतलब क्या है, पॉलीइन। तो जो पॉलीइन्स होती हैं वो ऑड पॉलीइनाइल से अधिक रिएक्टिव होती हैं। रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं, सबसे पहले जो रिएक्ट करेंगी वो इवन रिएक्ट करेंगी। तो ये पहला रूल कहता है कि जो जो लिगेंड, अगर दो तरीके के लिगेंड हैं तो उसमें से अगर इवन लिगेंड है, इवन पॉलीइन लिगेंड है, तो पहले रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल पर के तौर पर आप देखेंगे यहाँ पर एक, इन दोनों में अगर हम देखें तो आप ये देखेंगे कि पहले तीनों में कलेक्ट कर लीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इसमें कितने कार्बन एटम है, सिक्स कार्बन एटम, ईटा सिक्स टाइप है। ये कितने कार्बन एटम है, वन टू थ्री, ये कैसा है, आप देखेंगे ये इसमें थ्री कार्बन है, तो इसका मतलब है ऑड वाले को तो हटा देते हैं, ऑड को पहले अटैक करेगा नहीं। और ये जो है दोनों अटैक कर सकते हैं, दोनों इवन है, इसमें एक दो तीन चार, इसमें चार है और इसमें कितने, छह
कार्बन सेंटर्स हैं। तो अभी हम केवल फर्स्ट रूल को अप्लाई कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि या तो ये रिएक्ट करेगा या ये रिएक्ट करेगा, दोनों में से कोई एक रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो इवन ने रिएक्ट करना है पहले और ओड ने बाद में करना है। अब इसमें क्योंकि तीनों रूल अप्लाई होते हैं इसलिए हम अभी इसको और एग्जाम्पल आगे ले जाएंगे। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों अटैक हो सकते हैं, ठीक है। अब आप आइए दूसरा जो रूल है, दूसरे रूल में आप देखेंगे ओपन जो पॉलीइन्स होंगे वो क्लोज्ड पॉलीइन से पहले रिएक्ट करेंगे। अब देखिए ये ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये देखिए क्लोज्ड है, क्लोज्ड है, ठीक है। तो ओपन जो है वो पहले रिएक्ट करेंगे, क्लोज्ड जो है वो बाद में रिएक्ट करेंगे। ये देखिए ये तो है पॉलीइन्स, ये देखिए पॉलीइन्स, ये भी पॉलीइन्स है। ओपन पहले रिएक्ट करेंगी फिर क्लोज्ड रिएक्ट करेंगी। अब आप देखिए कि अब ये सब की सब कैसी है, देखिए पॉलीइन्स कैसी होती है, इवन होती है, इसलिए पॉलीइन्स की जो रिएक्टिविटी है वो पॉलीइनाइल से अधिक होगी। ये सब की सब क्या है, हमने कहा कि जो इवन है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो सब इवन है तो ये सारे इवन रिएक्टिव हैं और ये जो ऑड है वो कम रिएक्टिव। ऑड में भी आप देखेंगे जो ओपन है वो ज्यादा रिएक्टिव है, जो क्लोज है वो कम रिएक्टिव है। तो दूसरा रूल कहता है कि ओपन एंड क्लोज। अब यहाँ पर आ जाइए आप, अब हमने कहा कि ये दोनों रिएक्ट कर सकते हैं लेकिन इसमें ये ओपन है और ये क्लोज है, तो इसका मतलब ओपन सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग ओपन फास्टर रिएक्ट करेगा और ये कम धीरे से रिएक्ट करेगा, इसलिए आप देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस रिंग में होगा। तो आप ये बता सकते हैं, रिंग तो नहीं है ये, एक्चुअली ये पॉलीइन है। तो आप ये देखिए दो रूल आपने देख लिए, इवन यानी इवन का मतलब ये दोनों कर सकते थे, अब आपने दूसरा रूल अप्लाई किया और आपने देखा कि इन दोनों में से ओपन कौन है, ओपन कौन है ये। तो न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करेगा तो इस पार्ट पर अटैक करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि दूसरा रूल कहता है ओपन जो होते हैं कोऑर्डिनेटेड पॉलीइन्स दे रिएक्ट फर्स्ट एज कंपेयर टू दी क्लोज्ड पॉलीइन्स, ठीक है। तीसरा थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल कहता है कि जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है ये टर्मिनल कार्बन सेंटर पर होता है फॉर इवन ओपन पॉलीइन। इवन अगर मैं ये बात करूं ब्यूटाडाइन की, इवन है, ओपन है, पॉलीइन है, तो इसके केस में जो अटैक होता है वो टर्मिनल अटैक होता है, ठीक है। और एम एल एन प्लस, अगर यहाँ पर जो एम एल एन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तब न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है वो किसके केस में हम बात कर रहे हैं, अगर ऑड होगा मतलब अगर पॉली इनाइल्स होंगे, अगर पॉली इनाइल्स होंगे तो पॉली इनाइल्स के केस में आप ये देखेंगे ऑड ओपन पॉलीइन्स तो नहीं कहेंगे, पॉलीइनाइल्स कहेंगे। तो पॉलीइनाइल्स के केस में आप देखेंगे कि तब अटैक टर्मिनल होगा जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, तो ये तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। तो एक चीज आपने देखी कि जो ओपन सिस्टम है वो फास्ट रिएक्ट करते हैं न्यूक्लियोफाइल के साथ, जो इवन होते हैं वो फास्ट करते हैं, और जो ओपन होते हैं वो फास्ट करते हैं। तीसरा आपने देखा जो अटैक है वो टर्मिनल कार्बन के ऊपर होता है, और अगर ये परिस्थिति होगी कि ये वाला जो पार्ट है अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो तब आप देखेंगे जो जो अटैक है वो तब टर्मिनल कार्बन पर होगा, और क्यों होगा अभी आप देखेंगे उसको, ठीक है। अब हम ये रिएक्शन देखते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए आरयू का कॉम्प्लेक्स, आपने ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ ली है, देखिए मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है तो हेप्टाट्राइनाइल बन जाएगा, अगर आपने देखा था, देखिए ये जो है ये जब रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, हेप्टाट्राइनाइल लिगेंड बना देगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से अभी हम वो भी देखेंगे अब क्यों होता है ऐसा। देखिए यहाँ पर देखिए आप, ये इसमें दो लिगेंड जुड़े हुए हैं इस आरयू के साथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर 7 कार्बन एटम है, और यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों ही केस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 कार्बन है, ये एक्चुअल में हमने इवन अगर इसको हमने दिखाया है तो ये जो है वो हम इसको दिखा सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर, अब आप देखेंगे कि ये इवन इसमें क्या चीज है, एक्चुअली कार्बन तो 7 है बट ये इवन क्यों है, ये इवन इसलिए है क्योंकि ये क्या है, पॉलीइन है, तो ये ईटा 6 टाइप का है, आप देखिए इसमें 6 डबल बॉन्ड है तो ये ईटा 6 की तरह एक्ट कर रहा है, और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 ये किसकी तरह कर रहा है, ईटा 5 की तरह एक्ट कर रहा है। तो हमने ये कहा है कि जो पॉलीइन्स जो कि कैसे होते हैं,
इवन होते हैं उन पर अटैक पहले होता है, तो इन दोनों रिंग में से पहले अटैक किस पर होगा, इस पर अटैक होगा। तो इसलिए आप देखिए किस में कन्वर्ट हो गया, पॉलीइनाइल में ये कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप देखिए कि ये पॉलीइनाइल में कन्वर्ट हो सकते हैं, जो पॉलीइन्स हैं जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो इन दोनों में से किस रिंग पे अटैक करेगा ये देखना है, किस पर अटैक करेगा जहां पर, इसीलिए फॉर्मेशन। अब आप वहां खोलिएगा, आप ये देखिएगा कि जब हमने साइक्लोहेप्टाडाइनाइल बनाया, जब हमने साइक्लोपेंटा हेप्टाडाइनाइल बनाया तो वहां पर आप देखिएगा कि कौन से रिंग पर अटैक हो रहा था, ठीक है। तो उस तरीके से फिर हम बताएंगे, ये रूल पर बेस्ड है। अब यहाँ पर देखिए आप ये जो कॉम्प्लेक्स है, देखिए इसमें एक लिगेंड ये है जो कि पाई बॉन्डेड लिगेंड है साइक्लोपेंटाडाइनाइल, दूसरा लिगेंड आप देखेंगे ओलिफिन। अब इन दोनों में कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, देखिए नंबर वन ये इवन है और ये ऑड है, ये ईटा फाइव है, ये ईटा टू। दूसरा आप देखिए ये ओपन है और ये कैसा है, क्लोज्ड है। तो किस पर अटैक, दोनों रूल इसमें अप्लाई हो रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड रूल अप्लाई हो रहा है, जहां पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो जो ये न्यूक्लियोफाइल है ये इवन ओपन पर अटैक कर रहा है। कहाँ पर अटैक कर रहा है, टर्मिनल, देखिए टर्मिनल अटैक कर रहा है। सो दिस रिएक्शन इज ओबेइंग ऑल द थ्री रूल्स 1, 2, 3, क्योंकि आप ये बता रहा है कि ओपन सिस्टम पर, इवन सिस्टम पर, और आप देख रहे हैं कि ये जो अटैक है ये टर्मिनल अटैक हो रहा है। तो आप देखेंगे तीनों तरीके के रूल्स यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, अगेन देखिए मॉलिब्डेनम का कॉम्प्लेक्स है, ये देखिए इसको गिनिए, ये जो सिस्टम है ये क्लोज सिस्टम है, ठीक है। अब जो रूल था वहां पर आपने देखा जी क्लोज सिस्टम पर अटैक नहीं था, ओपन सिस्टम पर अटैक था, ठीक है। तो यानी या तो यहाँ अटैक होगा या यहाँ अटैक होगा। अब अगर आप देखेंगे ये ईटा थ्री है और ये क्या है, ईटा फोर है। तो अब ऑड कौन है, ईटा थ्री ऑड है, इवन कौन है, ईटा फोर इवन है। तो ईटा फोर के ओपन और इवन होने से आप देखिए ये इवन है, ओपन है और टर्मिनल अटैक इसमें होगा, इसलिए ये तीनों रूल को फॉलो कर रहा है। अब आप यहाँ पर देखिए ये क्लोज्ड है, इवन है, ये कैसा है, ओपन है और क्या है, यहाँ पर आप देखिए ये ओपन है लेकिन ऑड है, ये ईटा थ्री है और ये क्या है, ईटा सिक्स। इसको अगर आप देखेंगे तो ये कैसा है, ईटा सिक्स। अब यहाँ ये दोनों के दोनों क्या है, पॉलीइनाइल्स है, ठीक है, ये ईटा थ्री है और ये ईटा सिक्स है। अब जब दोनों के दोनों क्या है, दोनों पॉलीइनाइल्स है, पॉलीइन के केस में तो पॉलीइन पर अटैक होता है पहले, ठीक है, क्योंकि वो क्या होती है, इवन होती है। अब यहाँ पर ये एक इवन है एक ऑड है लेकिन दोनों पॉलीइनाइल्स हैं, तो इस केस में क्या होगा कि रूल वन जो है, रूल वन पहले फॉलो होगा, रूल टू बाद में फॉलो होगा। रूल वन क्या था, रूल वन क्या आपने पढ़ा, रूल वन पे आपने पढ़ा कि पहले इवन पर अटैक होगा फिर ऑड पर अटैक होगा। तो यहाँ पर जो जो रूल काउंट करेगा वो काउंट करेगा ये वाला कि इवन पर पहले अटैक होगा और ऑड पर। तो आप ये देखेंगे कि अगर दोनों चीजें कन्फ्लिक्ट कर रही हैं, मतलब फर्स्ट रूल भी है और सेकंड रूल भी है, तो आप ये देखेंगे कि उस केस में कौन सा रूल अप्लाई होगा। उस केस में जो रूल अप्लाई होगा वो होगा, वो रूल कौन सा अप्लाई होगा, वो अप्लाई होगा फर्स्ट रूल जो है वो अप्लाई होगा। और फर्स्ट रूल के अप्लाई होने से ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखिए इस पर अटैक हो रहा है, ठीक है, इस पर अटैक होगा तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। अब यहाँ पर देखिए आप, ये जो है दोनों के दोनों एक से लिगेंड है तो दोनों लिगेंड्स पर क्या होगा, अटैक पॉसिबल है। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तरीके का ही जो लिगेंड है साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, बाकी लिगेंड जो है पाई बॉन्डेड नहीं है, तो यहाँ पर अटैक होगा। जबकि जनरली आप देखेंगे कि साइक्लोपेंटाडाइनाइल में लिगेंड पर अटैक नहीं होता है, क्योंकि ये क्लोज्ड भी होता है, ये ऑड भी होता है, तो इस पर जो है वो बहुत आसानी से अटैक नहीं होगा। लेकिन अगर यही है तो आप देख सकते हैं कि इवन इन साइक्लोपेंटाडाइनाइल आल्सो न्यूक्लियोफिलिक अटैक टेक्स प्लेस। तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल पर भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो सकता है ड्यू टू दीज थ्री रूल्स, इनमें से कोई भी रूल अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर तो कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पर तो जो है वो केवल एक अकेला है, तो उस पर क्या हो जाएगा, अटैक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मेटल के साथ जुड़ा है और वो भी मेटल कैसा पॉजिटिव है, देखिए। और दूसरा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग है, यहाँ पर भी साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग है, तो आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा, जिस पर नॉर्मली साइक्लोपेंटाडाइनाइल पर अटैक नहीं होता है, क्योंकि ऑड है और क्लोज्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट रूल्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ये रूल को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन एजम्पशंस, कुछ एजम्पशंस के बेसिस पर हम बता सकते हैं कि रूल कैसे अप्लाई होते होंगे। तो एक क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन है इस रूल का, और वो ये है कि लिगेंड जिस पर एक्स करेक्टर अधिक होता है उस
वो क्या होता है, वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक का अपोज करता है। ये एक जनरल एंजम्पशन। देखिए फॉर एग्जांपल आप ये देखेंगे, ये जो लिगेंड है ये टू इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो ये एल टाइप लिगेंड है। अगर ये जो लिगेंड है जो ब्यूटाडाइन है, अगर ये इस तरीके से अरेंज हो, कैसे अरेंज हो, ये देखिए अगर हम इस तरीके से इसको अरेंज करें, यहाँ पर मेटल सेंटर जुड़ा हुआ ये, तो आप देखिए ये जो पार्ट है ये टू इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये वाला जो पार्ट है ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये जो पार्ट है एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन। तो ये एक्स है, ये एक्स है और ये एल है। तो अगर आप इस तरीके से बॉन्डिंग दिखाएंगे तो आप देखेंगे एल एक्स टू टाइप है, और जो एल एक्स टू टाइप है इसकी रिएक्टिविटी कम होती है, एल की अधिक होती है। यानी जहां पर एक्स करेक्टर आ जाता है वहां पर आप देखेंगे एक्स करेक्टर की वजह से रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ऐसे ही आप यहाँ पर देखिए ये ओलिफिन है, ये एलाइलिक ग्रुप है, एलाइलिक ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो इसमें एक्स करेक्टर है। अगर हम इसको इस तरीके से दिखाएं, ये देखिए कि यहाँ से मेटल जुड़ा और यहाँ से मेटल जुड़ गया, तो आप देखिए कि ये जो पार्ट है ये एल है और ये जो पार्ट है ये एक्स है, तो ये किस तरीके का लिगेंड हो गया, एल एक्स लिगेंड। तो अगर ये एल एक्स लिगेंड है, ये एल लिगेंड है, हमने कहा कि जैसे जैसे एक्स का करेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे आप देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है वो मुश्किल होता है, और ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक को क्या करता है, रजिस्ट करता है। तो इस तरीके से हम ये क्रम बता सकते हैं कि क्यों हमने ये जो आपको यहाँ पर क्रम दिखाया था, देखिए ये आपने देखा कि ये जो ओलिफिन है ये अधिक रिएक्टिव है, और जो ये जो ब्यूटाडाइन है कम रिएक्टिव है, क्योंकि इस पर क्या है, एक्स का करेक्टर अधिक है तो ये कम रिएक्टिव होगा, इस पर एक्स का करेक्टर नहीं है तो ये अधिक रिएक्टिव होगा। तो एक जनरल एंजम्पशंस है, वो सब जगह पर ओबे नहीं होता है, कहीं कहीं पर ओबे होता है और कहीं पर ये नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम एंजम्पशन देखेंगे उसको हम दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एमओ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बेसिस पर हम समझा सकते हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक, उसको थर्ड रूल को हम समझा सकते हैं इस एमओ एक्सप्लेनेशन की हेल्प से। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कार्बन एटम होते हैं जिन पर हाई कोफिशियंट, मतलब आप ये देखेंगे मैंने लिखा है कि हाई कोफिशियंट ऑफ LUMO, LUMO वो ऑर्बिटल होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है, ठीक है। अब ये कहता है कि ये जो है, अगर आप देखेंगे मेटल है और ये लिगेंड है, तो ये लिगेंड जो है मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये लिगेंड जब मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये इस लिगेंड के पास क्या है, LUMO है, इसके पास खाली ऑर्बिटल भी है, तो ये जो खाली ऑर्बिटल है उस पर कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ये जो लिगेंड का जो LUMO है उस पर क्या अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसका जो LUMO है वो मेटल से इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है, क्योंकि मेटल कैसा है, पॉजिटिव है, मेटल तो इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, तो इसको जो वो इलेक्ट्रॉन देता वो इलेक्ट्रॉन कहाँ होता, वो इलेक्ट्रॉन होता कहाँ पर, एंटीबॉन्डिंग LUMO में, वो LUMO खाली है, उस LUMO में कौन इलेक्ट्रॉन देगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इसका मतलब है कि ये जो LUMO है, ये जो LUMO किसका है, लिगेंड का है जिस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है, उस LUMO में वो इलेक्ट्रॉन लेता है। तो आप देखेंगे कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है वो जो होता है वो तब होता है जिस कार्बन सेंटर पर जो LUMO है, अगर उसका लार्ज कोफिशियंट होता है LUMO का, मतलब ओवरलैप अगर वो अच्छी तरह से कर ले, तो आप देखेंगे कि वहां पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है वो टर्मिनल कार्बन सेंटर पर होता है, जो मैं भी आपको समझा रही हूँ कि मैंने पूरी बात क्या की। मैंने आपसे ये बात की कि ये एक मेटल सेंटर है, ये उसके साथ दूसरे लिगेंड जुड़े हुए हैं, ये मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो इट कैन ओनली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लिगेंड, लिगेंड से तो एक्सेप्ट करेगा लेकिन लिगेंड को इलेक्ट्रॉन ये नहीं देगा, जबकि लिगेंड के पास LUMO है। अब कैसे है, देखिए मैं ब्यूटाडाइन की बात करूं अगर, तो ब्यूटाडाइन जो है वो आपको मैंने बता दिया है कि ये उसका एक ऑर्बिटल है, ये उसका दूसरा ऑर्बिटल है, चालों की ऑर्बिटल जब लीनियरली कंबाइन करेंगे ये उसका तीसरा ऑर्बिटल है, ये उसका चौथा ऑर्बिटल है। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर साई वन है एक ऑर्बिटल, दूसरा साई टू, ये दोनों बॉन्डिंग ऑर्बिट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये दोनों एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर दो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो साई वन और साई टू में भरे हैं, ये इसके पास चार इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इस पी ऑर्बिटल में होगा, एक इस पी ऑर्बिटल में, एक इस पी ऑर्बिटल में, एक इस पी ऑर्बिटल में, चार इलेक्ट्रॉन में से दो, जो चार इलेक्ट्रॉन है वो इन दोनों एमओ में क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे। अब आप देखिए इसके पास क्या खाली है, साई थ्री खाली है, तो हमने ये कहा कि इसके पास जो LUMO वो तो खाली है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया नहीं है मेटल से, तो अब इस LUMO में किससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, न्यूक्लियोफाइल से लेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल के और जो LUMO के जो लोब्स हैं ना वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से ओवरलैप होने चाहिए, तभी क्या होगी,
अटैक कर पाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो हम ये कह रहे हैं कि जो LUMO होता है ब्यूटाडाइन का, जनरली जो क्या होता है इवन ओपन जो लिगेंड होता है उसके केस में जो LUMO होता है उसके जो टर्मिनल लोब्स होते हैं वो एफिशिएंटली क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, उनकी एफिशिएंसी अच्छी होती है, तो वो उनका जो कोफिशियंट होता है वो बहुत अच्छा होता है ओवरलैपिंग का। तो ये जो टर्मिनल कार्बन है ना वो आसानी से ओवरलैप करते हैं, इसीलिए जो न्यूक्लियोफाइल है वो इन टर्मिनल कार्बन्स पर अटैक करता है इवन ओपन लिगेंड्स के केस में। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑड ओपन की, ये देखिए ऑड है, इसमें तीन सेंटर आप देख रहे हैं, तो ये कैसा है ऑड लिगेंड है, यानी ये ईटा थ्री टाइप का लिगेंड है। तो इस केस में आप देखिए कि एक मॉलिक्यूलर और जब तीन इसमें पी इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये तीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो आप ये देखेंगे एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम साई वन है, दूसरे का साई टू है, तीसरे का साई थ्री है। तो आप ये देखेंगे, ये हम कहेंगे कि जो इसका जो साई टू होता है वो साई टू के केस में जो टर्मिनल लोब्स होते हैं वो एफिशिएंटली ओवरलैप करते हैं, लेकिन जो साई थ्री होता है वो एफिशिएंटली ओवरलैपिंग बीच वाले कार्बन सेंटर की होती है, बीच वाले कार्बन सेंटर की एफिशिएंसी होती है। तो जनरली होता क्या है, ये इसका LUMO है, एक्चुअल में ये बिल्कुल खाली है। तो आप ये देखेंगे कि ये जब आप देखेंगे कि ये जो ऐसे लिगेंड्स होंगे जो कि ऑड टाइप के लिगेंड्स होंगे तो वहां पर अटैक जनरली, ये इसका LUMO है तो जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा वो किस पर होगा, सेंट्रल कार्बन पर, क्योंकि सेंट्रल कार्बन का जो कोफिशियंट है, जो लार्ज जो कोफिशियंट है वो क्या है, कम है, टर्मिनल का कम है सॉरी, और जो सेंट्रल वाला है उसका अधिक है। तो इसलिए नॉर्मली क्या होता है कि जो ऑड होते हैं उनका अटैक सेंट्रल कार्बन पर होता है, टर्मिनल पर नहीं होता। लेकिन मैंने आपसे कहा कि जो MLN पार्ट है अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और यहाँ पर ऑड लिगेंड जुड़ा हुआ है मेटल के साथ, तो तब क्या होगा कि ये जो इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से ये क्या करेगा, इजीली जो अपना इलेक्ट्रॉन है ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर देगा, और जब यहाँ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो आप देखिए क्या होगा, जब ये साई थ्री का मैंने आपसे कहा कोफिशियंट क्या होता है, लार्ज होता है, साई थ्री में जो सेंट्रल कार्बन एटम होता है उसका कोफिशियंट क्या होता है, लार्ज होता है, ठीक है। तो जब ये आप देखेंगे कि जब ये जो पार्ट है, पहले हम ये देखें कि ये पार्ट अगर कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, तो जब ये कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पार्ट होगा मतलब ये आसानी से इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है, कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ये, ठीक है। तो ये यहाँ इलेक्ट्रॉन कम विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मतलब इसको दे भी सकता है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, इसको ऑड इलेक्ट्रॉन के यहाँ साइट में क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, और जब यहाँ इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, ये ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, तो ये क्या करेगा कि इसके साथ क्या कर रहा है, बैक बॉन्डिंग कर रहा है और सेंट्रल कार्बन के साथ आसानी से जुड़ेगा, सेंट्रल के साथ जुड़ेगा। लेकिन अगर MLN पार्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अधिक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो ये बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, इसकी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, ये नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है। जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है तो बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, और जब बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी तब ये क्या करेगा, इस साई टू के साथ ओवरलैपिंग करेगा, और साई टू के केस में आप देखेंगे कि ये जो टर्मिनल कार्बन सेंटर्स हैं उनका कोफिशियंट अच्छा है, और अगर ये साई थ्री के साथ बॉन्डिंग करता है तो सेंटर के थ्रू जुड़ेगा। साई थ्री से बॉन्डिंग कब करेगा, जब ये पार्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं होगा, तब ये साई थ्री वाले ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, जिसमें सेंट्रल कार्बन एटम का जो कोफिशियंट है वो अच्छा होता है, इसलिए ये सेंट्रल कार्बन से जुड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो आप देखेंगे कि ये जो टर्मिनल कार्बन है, जो टर्मिनल लोब्स है, वहां पर जो आप देखेंगे जो कोफिशियंट है वो अधिक होता है, इसलिए ये साइटू के साथ ओवरलैप कर लेगा विड्रॉइंग ग्रुप के केस में, और ये टर्मिनली
ऐड होगा। तो ओवरऑल अगर मैं आपसे ये कहूंगी तो मैं ये कहूंगी कि इवन और ओपन जो लिगेंड्स होते हैं वो हमेशा टर्मिनल कार्बन सेंटर पर अटैक करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो खाली ऑर्बिटल है ये हमेशा खाली है और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और यहाँ पर जो टर्मिनल कार्बन के लोग हैं उनका कोफिशियंट अच्छा है, वो अच्छी ओवरलैपिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इवन की बात करें तो सॉरी ऑड की बात करें तो ऑड के केस में क्या होता है कि ऑड के केस में एक बॉन्डिंग होगा, एक नॉन बॉन्डिंग होगा और एक एंटी बॉन्डिंग होगा। तो जो जो नॉन बॉन्डिंग होगा हमेशा हाफ फिल्ड होगा। तो क्या होगा कि अगर वो जो लिगेंड MLN पार्ट है अगर वो कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं होगा तो वो साइड टू के साथ ओवरलैपिंग करेगा। और अगर वो साइड टू के साथ ओवरलैपिंग करेगा तो वो नहीं, अगर वो अच्छा नहीं है, देखिए विड्रॉइंग अगर अधिक है, अगर वो विड्रॉइंग अधिक है तो वो साइड टू के साथ ओवरलैपिंग करेगा और टर्मिनल कार्बन के साथ जुड़ेगा। अगर वो विड्रॉइंग नहीं है तो वो साइड थ्री के साथ ओवरलैप करता है और सेंट्रल कार्बन के थ्रू जुड़ता है। तो टोटल ये मिला के है कि जो MLN वाला पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो ये क्या करेगा, विड्रॉइंग के केस में ये क्या करेगा, साइड टू के साथ ओवरलैप करेगा। और अगर ये MLN विड्रॉइंग नहीं है बल्कि डोनेटिंग है तब ये साइड थ्री के साथ अटैक है। अगर ये साइड टू के साथ अटैक करेगा तो टर्मिनल कार्बन के साथ अटैक कर रहा है, अगर ये साइड थ्री के साथ करेगा तो ये सेंट्रल कार्बन के साथ अटैक कर रहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक्सप्लेनेशन है वो ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों इवन और ओपन जो लिगेंड्स होते हैं वो टर्मिनल कार्बन के थ्रू जुड़ते हैं, जो कि हमने थर्ड रूल में इसके पढ़ा। और थर्ड रूल में हमने देखा कि जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है वो टर्मिनल कार्बन एटम पर होता है जब इवन ओपन पॉलीन की बात करते हैं, और जब हम ऑड ओपन की बात करते हैं तो ऑड ओवन के केस में क्या होता है कि अगर MLN पार्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा देन ओनली टर्मिनल कार्बन पर अटैक होगा, नहीं तो सेंट्रल कार्बन पर अटैक होगा, जो कि हमें NO एक्सप्लेन कर पाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर आप देखिए कि ये लिगेंड देखिए साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल है और ये जो W है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। देखिए जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ पर अटैक कर रहा है, आपसे मैंने क्या कहा, जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं होते हैं। तो ये क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है, तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है उस समय ये जो अटैक है ये सेंट्रल कार्बन पर होगा, क्योंकि आपने देखा था कि अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है तो ये किससे ओवरलैप करता है, साई थ्री पे। और साई थ्री में क्या होता है कि ये जो बीच वाला लोब होता है ये अच्छा कोफिशियंट इसका होता है, इसलिए सेंट्रल कार्बन की ओर ये जुड़ता है। ठीक है, odd open polyenile show terminal addition only when the electron withdrawing groups are attached. जब केवल इलेक्ट्रॉन ये जो ग्रुप्स हैं अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते तब केवल क्या होता, साइड टू के थ्रू बॉन्डिंग होती और टर्मिनल अटैक पॉसिबल होता। तो यहाँ पर आप देखिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स नहीं है इसलिए सेंट्रल कार्बन के थ्रू अटैक है। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो फिर आप देखेंगे कि सेंट्रल कार्बन के थ्रू नहीं बल्कि टर्मिनल कार्बन के थ्रू अटैक होता है। फिर आप देखिए कि जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है पॉलीहेप्टोलिगेंड में दैट विल डिक्रीज द हेप्टासिटी ऑफ द लिगेंड बाय 1 यूनिट इन द प्रोडक्ट। देखिए आप यहाँ पर ये ओलिफिन था, इस ओलिफिन की जो हेप्टासिटी थी वो 2 थी, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो एक हेप्टासिटी कम हो जाएगी और ये देखिए ईटा 1 की तरह ऐड हो गया। बल्कि हम ये कह सकते हैं ये देखिए ये जो लिगेंड जुड़ा है वो ईटा 1 की तरह जुड़ा है, तो हेप्टिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर आप देखिए हेप्टिसिटी 4 है और यहाँ पर जैसे एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा तो हेप्टासिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ पर हेप्टिसिटी 6 है, यहाँ पर हेप्टिसिटी 5 हो जाएगी, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो हेप्टिसिटी है वो जैसे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है हेप्टिसिटी विल डिक्रीज, ठीक है, बाई 1 यूनिट। अब अगर हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक पढ़ें, अगर हम इस न्यूक्लियोफिलिक अटैक को ईटा 2 ओलिफिनिक लिगेंड पर पढ़ें, हम प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, हम पैलेडियम का कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, हम आयरन के कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, तो वहाँ पर अगर हम ईटा 2 का पर अटैक देखें तो किस तरीके की रिएक्शंस, कुछ एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर आप। अब ये एक ओलिफिनिक लिगेंड, देखिए ये जो डबल बॉन्डेड है लिगेंड ये मेटल के साथ जुड़ा है, तो यहाँ पर जो ओलिफिन है ये ईटा 2 की तरह एक्ट कर रही है। जब ईटा 2 की तरह एक्ट कर रही है अब इसने क्या किया, न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक किया। न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो ये तो C1 पर अटैक करेगा, यही C2 पर अटैक करेगा।
होगा। तो जनरली जब हम ईटा टू की बात कर रहे हैं, जो अटैक है वो सी वन पर हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो सी वन है ये मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम है। तो जनरली क्या होता है, जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है ईटा टू के केस में, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन सेंटर पर होता है। इसलिए जहाँ पर आर ग्रुप है वहाँ पर ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा, ठीक है। और जनरली जो न्यूक्लियोफाइल है इट अटैक्स एट द अपोजिट फेस ऑफ द ओलिफिन दैट इज बॉन्डेड टू मेटल। तो जनरली होता क्या है कि जो अटैक होता है इस न्यूक्लियोफाइल का, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेटल को मैंने एक डार्क लाइन से दिखाया है, जबकि न्यूक्लियोफाइल जो जुड़ा है वो कैसे जुड़ा है, डैश लाइन से जुड़ा है। तो आप ये देखेंगे कि इस डबल बॉन्ड के जिस साइड मेटल सेंटर था उसके अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या बना, देखिए ये बन गया, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नए नए तरीके की ऑर्गेनिक सिंथेसिस में ये आप देखेंगे हेल्पफुल है। अब आप यहाँ पर देखिए पैलेडियम कॉम्प्लेक्स है, और पैलेडियम कॉम्प्लेक्स केस आप देखेंगे ये जो लिगेंड है ये एक ईटा टू टाइप लिगेंड है, ये पैलेडियम कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा, जैसे ये एमईओ माइनस हो सकता है, ये मेलोनेट हो सकता है, तो ये जो अटैक है ये देखिए यहाँ पर अटैक हो सकता है या यहाँ पर अटैक हो सकता है। तो आपने देखा है कि जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है जनरली टर्मिनल पोजिशन पर होता है, और यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके का कॉम्प्लेक्स हमें मिलता है जिसका मैं स्ट्रक्चर आपको अभी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है उस साइड से होता है, जो ओलिफिन है उस जिस साइड मेटल होगा उसके अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है। अब आप यहाँ पर देखिए ये जो ओलिफिन है, इस ओलिफिन में एक जो कार्बन है वो आर यानी सब्स्टिट्यूटेड है और दूसरी नहीं है। तो आप देखिए कि जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो इस कार्बन सेंटर पर हुआ जहाँ पर मोर सब्स्टिट्यूशन था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरीके से जो न्यूक्लियोफाइल है वो उस कार्बन से जुड़ गया जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन था, ठीक है। दूसरा अब अटैक देखेंगे ईटा थ्री ओलिफिनिक लिगेंड्स पर। ईटा थ्री ओलिफिनिक लिगेंड्स को अगर आप देखेंगे तो न्यूक्लियोफाइल जनरली इट अटैक्स ऑन द एक्सोफेस ऑफ द एलाइल ग्रुप, एलाइल ग्रुप के एक्सोफेस पर। एक्सोफेस मतलब अपोजिट टू द मेटल, जिस साइड मेटल अटैच्ड होगा उसके अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल में बाइंड टू द मेटल फर्स्ट देन ट्रांसफर टू द एंडोफेस ऑफ द एलाइल ग्रुप, हेंस रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन, जिसको हम एग्जांपल के साथ देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं एग्जांपल आपको दिखा रही हूँ। मैं आपको ये कह रही थी कि देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स था, ये पीडी कॉम्प्लेक्स हमने बना दिया पैलेडियम कॉम्प्लेक्स, और ये जो पैलेडियम कॉम्प्लेक्स है इसकी दो रिएक्शन हमने दिखाई है, एक इन अब्सेंस ऑफ LiCl और एक इन प्रेजेंस ऑफ LiCl। तो होता क्या है कि अगर LiCl की प्रेजेंस होगी तो आप देखेंगे कि ये LiCl की प्रेजेंस में ये जो रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर हम क्या जुड़ाना चाह रहे हैं, OAC ग्रुप, ठीक है। OAC ग्रुप एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सिस बन रहा है, और यहाँ पर आप देखिए ट्रांस प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये क्यों बन रहा है, क्योंकि इनकी जो मैकेनिज्म है वो अलग अलग है, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर LiCl की प्रेजेंस होती है तो LiCl की प्रेजेंस में क्या होता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, यहाँ से पैलेडियम जुड़ा था ये, ठीक है, यहाँ पर ये पैलेडियम जुड़ा हुआ है, तो ये हमने डैश लाइन से दिखाया जो पैलेडियम, ठीक है। तो ये जो पैलेडियम है, ये पैलेडियम जिस साइड से जुड़ा हुआ है इस डबल बॉन्ड से, उसके अपोजिट साइड से ये अटैक करता है, मतलब एक्सो अटैक होता है, एक्सो अटैक, ओके। एक्सो अटैक होगा तो ये डैश लाइन से हमने पैलेडियम देखा है, तो यहाँ पर हम डार्क लाइन से दिखाएंगे जो प्रोडक्ट, देखिए डार्क लाइन से अटैच हुआ है। तो ये ओएसी और ये ओएसी दोनों डार्क हैं, तो ये दोनों एक साइड है, तो ये सिस टाइप का प्रोडक्ट बना। लेकिन यहाँ पर जब LiCl प्रेजेंट नहीं होता है तो क्या होता है कि ये जो ओएसी ग्रुप है, ये जो ओएसी ग्रुप है, ये ओएसी ग्रुप जो है आप देखेंगे ये पहले किसके साथ जुड़ रहा है, ये पूरा ग्रुप इस पीडी के साथ जुड़ रहा है, पहले ये क्या कर रहा है, ये ग्रुप पीडी के साथ जुड़ रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो ओएसी ग्रुप है वो डायरेक्ट यहाँ पर अटैच हो रहा है, तो डायरेक्ट जब अटैच होगा तो उस साइड से अटैच होगा जिस साइड पैलेडियम नहीं है, उस साइड से जुड़ेगा, एक्सो अटैक कहते हैं इसे हम। तो यहाँ पर आप देखिए कि लेकिन इस केस में आप देखेंगे ये जो ओएसी अटैक करता है वो पैलेडियम पर अटैक कर रहा है, तो अगर वो पैलेडियम पर अटैक करेगा तो क्या होगा, अब ये जो पूरा ग्रुप है ये एक साइड है,
तो अब ये जो अटैक होगा ये कैसा होगा, एंडो अटैक। ये एंडो अटैक है यानी उसी साइड से होगा जिस साइड से पैलेडियम यहाँ जुड़ा हुआ है। तो दोनों की साइड है, तो दोनों डैश लाइन से जुड़ेंगे। तो अब आप देखिए जो नया ओएसी आया है वो डैश लाइन से जुड़ा होगा, और जो दूसरा ओएसी है वो किससे, डार्क लाइन से। तो इस तरीके से आप देखेंगे ट्रांस प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर यही लिखा था, मैंने ये लिखा था कि जो न्यूक्लियोफाइल है जनरली अटैक्स एट द एक्सोफेस ऑफ द एलाइलिक ग्रुप, एलाइलिक ग्रुप के एक्सोफेस पर ये अटैक करता है। तो इन्वर्जन होता है, देखिए यहाँ पर इन्वर्जन हो गया, यहाँ पर इन्वर्जन हो गया, यहाँ पर इन्वर्जन हो गया, ये दोनों ग्रुप्स जो है वो एक साइड में आ गए, ठीक है। यहाँ पर एक्सो अटैक हुआ। और जब एंडो अटैक होता है, एंडो अटैक में होता क्या है जनरली कि जो एलाइलिक ग्रुप है वो पहले किस पर अटैक करता है, मेटल पर पहले अटैक करता है, और मेटल पर अटैक करने के बाद देन ट्रांसफर टू द एंडोफेस ऑफ द एलाइलिक ग्रुप, एलाइलिक ग्रुप के एंडोफेस पर चला जाता है। तो मतलब ये जो पीडी है और जो ये ओएसी है, इनका जो 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 साइट है वो एक सी है, दोनों एक ही प्लेन पर है, एक ही साइट है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब एक्सो अटैक होगा तो ओएसी माइनस और पीडी जो है वो अलग अलग प्लेन्स पर होंगे, ओके। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है जिसको हम इस तरीके से दिखाते हैं, ये मैंने पूरा कॉम्प्लेक्स दिखा दिया है आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है, यहाँ पर ओएसी और ओएसी क्या है, एक दूसरे के क्या है, एक ही साइड है, जहाँ पैलेडियम है उसी साइड में ये नहीं है। तो इस तरीके से हम अटैक बता सकते हैं कि अगर एक्सो अटैक है तो एक्सो अटैक का मतलब जहाँ पैलेडियम है, जहाँ मेटल है, उसके अपोजिट साइड से आएगा न्यूक्लियोफाइल, और जहाँ एंडो अटैक होगा मतलब उसी साइड से आ रहा है जिस साइड से क्या है, मेटल प्रेजेंट है, ओके। अब आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए कि यहाँ पर अब हम दिखा रहे हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स है पैलेडियम का, और जब इस पर एक सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करता है, एक्सो अटैक करता है। देखिए पैलेडियम को हमने एक डैश लाइन से, मतलब एक डार्क लाइन से दिखाया है, यानी जिस साइड पैलेडियम था उसकी अपोजिट साइड से ये जो ग्रुप है ये क्या करेगा, ये ग्रुप क्या करेगा, अटैक करेगा, इसलिए डैश लाइन आई है। तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आइसोमर्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं इसकी हेल्प से। और एक्सो अटैक जब भी होगा तो ये जो पैलेडियम जिस साइड से था उस साइड से नहीं जुड़ेगा, दूसरी साइड से ये जुड़ेगा। अगर हार्ड अगर जो हमारे न्यूक्लियोफाइल अगर वो होंगे तो हार्ड के केस में क्या होगा, एंडो अटैक होता है जनरली। और जब एंडो अटैक होगा तो आप देखेंगे कि जिस साइड से मेटल जुड़ा रहता है उसी साइड से अटैक होगा, ठीक है। तो एंडो अटैक हो सकता है, एक्सो अटैक हो सकता है। एक्सो अटैक का मतलब है कि डिफरेंट साइड से अटैक हो रहा है, जहां पर मेटल सेंटर प्रेजेंट है उसके दूसरे साइड से अटैक हो रहा है। इसी तरीके से आप देखेंगे जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है वो ईटा 5 पर हो सकता है, ईटा 6 पर हो सकता है, ईटा 7 पर हो सकता है, किसी पर भी अटैक हो सकता है। और न्यूक्लियोफिलिक जब अटैक होता है तो आपने देखा हैप्टिसिटी डिक्रीजेस बाई 1, हैप्टिसिटी क्या होती है, 1 से डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए अगेन ये डाइईन है, इस डाइईन पर जब ये अटैक करेगा तो इसमें से एक हाइड्राइड को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इस डाइनाइल कॉम्प्लेक्स में न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो सकता है, और जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है वो कहाँ पर होता है, इस जगह पर होता है। और न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, कैसे आता है, न्यूक्लियोफाइल जनरली देखिए पैरा पोजिशन पर अटैक कर रहा है क्योंकि ओएमई ग्रुप के अकॉर्डिंग जो इसका डायरेक्शन है वो उसी के अकॉर्डिंग होता है। तो ओएमई ग्रुप के पैरा पोजिशन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उस प्लेन से अटैक करेगा जो प्लेन इस आयरन के प्लेन के अपोजिट हो, क्योंकि ये डार्क लाइन से दिखाया इसलिए हम इसको डैश लाइन से दिखाते हैं। और यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल हमने दिखाया वो न्यूक्लियोफाइल हमने ये दिखाया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो अटैक है न्यूक्लियोफाइल का, इट मे बी एक्सो और इट मे बी एंडो। और जब ये एक्सो होगा ये अटैक, तो आप ये देखेंगे कि एक्सो अटैक का मतलब उस प्लेन से अटैक होना जिस प्लेन पर आया है, जो मेटल है वो नहीं है, और अगर उसी प्लेन से अटैक होता है तो वो क्या कहलाता है, एंडो अटैक कहलाता है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन लिगेंड, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक लिगेंड के ऊपर कैसे होता है, ठीक है। तो इससे पहले हम एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं, ठीक है। तो एक बार हम इस न्यूक्लियोफिलिक जो हमारा रिएक्शंस है उसको हम एक बार रिवाइज करेंगे ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की मैंने क्या बात की, ठीक है। इसमें हमने कहा ये जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है ये कब होगा, जब मेटल सेंटर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ठीक है।
और इलेक्ट्रोफाइल कब अटैक करेगा, जब मेटल सेंटर कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होगा, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है और वो है अम्पोलंग की वजह से ही ये जो ओलिफिन्स हैं ये इन न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या होते हैं, ससेप्टेबल होते हैं। और इस एडिशन के लिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात कर रही हूँ, उसके लिए डीजीएम रूल आया। और डीजीएम रूल में तीन मेन रूल थे। नंबर वन, जो जो पॉलीइन्स जो कि कैसी होती हैं, जो कि ओपन होती है, ये रूल से है। जो इवन होती है वो ऑड से जल्दी रिएक्ट करती है, जो ओपन होती है वो जल्दी रिएक्ट करती है, क्लोज धीरे रिएक्ट करती है, और जो अटैक है वो टर्मिनल पोजीशन पर होता है। और ये जो हमने डिफरेंट रूल्स को आपको डिफरेंट एग्जांपल से बताया कि अगर दो चीजें हों एक साथ, फर्स्ट रूल भी है सेकेंड रूल भी है, तो फर्स्ट रूल ओबे होता है। ओके, फिर आपने देखे कि कौन सी थ्योरीज ऐसी हैं जो हमें एक्सप्लेन कर सकती हैं इनके इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को, जिसमें हमने एमओ ट्रीटमेंट पढ़ा और दूसरा हमने क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट भी पढ़ा, जो कि एक्स के ऊपर बेस्ड था कि जो लिगेंड का नेचर है वो एक्स करेक्टर उसमें कितना है, उस पर बेस्ड रिएक्टिविटी हमने उसकी देखी। फिर आपने देखा जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है वहां पर जो न्यूक्लियो जो हेप्टिसिटी होती है दैट डिक्रीजेस बाय 1 यूनिट। फिर आपने डिफरेंट टाइप के अटैक देखे, आपने ईटा 2 ओलिफिनिक लिगेंड पर अटैक देखा, आपने ईटा 3 ओलिफिनिक लिगेंड पर अटैक देखा, आपने ईटा 5 पर अटैक देखा, और आपने एक्सो अटैक और एंडो अटैक में डिफरेंशिएशन देखा। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन लिगेंड। अब हम देखेंगे जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है लिगेंड पर वो कैसे होता है, यानी इलेक्ट्रोफाइल कैसे जुड़ेगा लिगेंड के साथ। तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जनरली इंक्रीजेस द हेप्टिसिटी, जैसे न्यूक्लियोफाइलिक अटैक जो है वो हेप्टिसिटी को डिक्रीज करता है, जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है वो हेप्टिसिटी को इंक्रीज करता है। इसीलिए आप देखेंगे कि इन सब का यूज हम कहाँ पर करते हैं, सिंथेसिस में। सिंथेसिस में आप यूज करते हैं कि लिगेंड पर न्यूक्लियोफाइल बाइंड होगा तो हमें कैसा लिगेंड चाहिए, अगर उसमें इलेक्ट्रोफाइल बाइंड होगा तो हमें कैसा लिगेंड चाहिए। तो इसके इसको हमने प्रत्यक्ष रूप से हम ऑलरेडी करके देख चुके हैं, जब हमने क्या पढ़ा था, हमने जब मैंने आपसे फिर से बता रही हूँ साइक्लोहेक्साडाइनाइल, साइक्लोहेप्टाडाइनाइल, साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल, इन लिगेंड्स के बारे में जब हमने डिस्कस किया था, तो मैंने कई बार आपसे कहा था कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है तो उससे हेप्टिसिटी कम हो रही है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक से हेप्टिसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, इट कॉजेज द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द लिगेंड। इलेक्ट्रोफाइल एक्चुअल में हम ये कहेंगे कि जो इलेक्ट्रोफाइलिक अटैक है वो कहाँ पर होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, एफिशिएंसी होगी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में प्रेजेंट होगा। तो होता क्या है, जो ईटा 1 कॉम्प्लेक्स है वो ईटा 2 में कन्वर्ट हो गया, जो ईटा 4 है वो ईटा 5 में कन्वर्ट हो गया, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है इट इंक्रीजेस द हेप्टिसिटी। अब आप यहाँ पर देखिए ये क्या है, डाइईन। ये जो डाइईन है जब इस पर अटैक हो रहा है एक इलेक्ट्रोफाइल का, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इसके अटैक करने की वजह से देखिए 1, 2, 3, 4, 5 अब कितने कार्बन एटम जुड़ने लगे, 5 कार्बन एटम इस आयरन से जुड़ने लगे, तो ईटा 5 टाइप कॉम्प्लेक्स हो गया। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो ईटा 1 था पहले, देखिए सिंगल बॉन्ड था, जो ईटा 1 था वो देखिए यहाँ पर ये जो बॉन्ड है उसके थ्रू जॉइंट है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ईटा 2 में कन्वर्ट हो गया। तो आप देखेंगे कि जो एक्स करेक्टर है वो आप देख रहे हैं, एक्स करेक्टर को तो हम इससे नहीं डिफाइन कर पाएंगे, बट हम ये कह सकते हैं कि जो हेप्टिसिटी है इट इंक्रीजेस बाय अ यूनिट ऑफ 1 जब इलेक्ट्रोफाइल एड होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे अगेन आप देख सकते हैं कि ये जो एक ये मेटलोसीन है, निकिलोसीन है, इस निकिलोसीन के केस में आप देखेंगे ये जब इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक टेक्स प्लेस एट एक्सो पोजीशन। एक्सो पोजीशन क्यों है, देखिए मेटल तो यहाँ है और मेटल के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक अपोजिट प्लेन में आप देखेंगे कि ये जो डी है वो अटैक कर रहा है, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं जो निकिल है देखिए प्लेन के नीचे है, और जो इस रिंग पर जो डी का अटैक हो रहा है वो ऊपर प्लेन के ऊपर की साइड से हो रहा है, तो इसको हम एक्सो अटैक कहेंगे, क्योंकि मेटल नीचे है और जो प्लेन है वो जो अटैक है वो ऊपर से हो रहा है, तो प्लेन के एक साइड मेटल है, एक साइड से अटैक हो रहा है, सो दिस काइंड ऑफ अटैक इज एक्सो अटैक। एंडो अटैक जनरली कहाँ होता है, फेरोसिन में। आप देखेंगे फेरोसिन की डिफरेंट रिएक्शंस भी हमने देखी, तो फेरोसिन के केस में जनरली क्या होता है, इनिशियल जो अटैक है ई का, पहले मान लो फेरोसिन है हमारे पास, ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग्स इसमें दो है, ये सैंडविच टाइप का कंपाउंड है,
और यहाँ पर आप देखेंगे जो पहले अटैक करता है कई बार जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस आयरन सेंटर पर अटैक करेगा और उसके बाद ये यहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, यहाँ जो लिगेंड है उस पर एंडो अटैक करता है। और आपने देखा कि एंडो अटैक जनरली तभी होता है जब पहले आपने न्यूक्लियोफाइल में भी देखा कि जो इलेक्ट्रोफाइल है इससे अटैक बाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, आप देखेंगे एंडो अटैक क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो आयरन है ये प्लेन के नीचे है, उसी साइड से इसमें इलेक्ट्रोफाइल बाइंड हो गया तो उसी साइड से क्या होगा, अटैक भी होगा। तो इसलिए ये जो अटैक है वो क्या कहलाएगा, एंडो अटैक। एक्सो अटैक कब होगा, जब ये अटैक डायरेक्ट इस रिंग पर होगा तो वो एक्सो अटैक होगा, क्योंकि वो अपोजिट साइड से आएगा, जिस साइड आयरन है उसके अपोजिट साइड से क्या होगा, अटैक होगा। तो यहाँ पर आप देखिए एंडो अटैक जनरली सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू होता है। देखिए यहाँ पर ये फेरोसिन है और फेरोसिन जब ये सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करता है तो ये देखिए आयरन से जुड़ गया, और आयरन से जुड़ गया है मतलब पहले किससे जुड़ेगा, आयरन से, और जब ये आयरन से जुड़ेगा उसके बाद ये अटैक करेगा, जो एंडो अटैक होगा सेम प्लेन पर अटैक होगा, और सेम प्लेन पर अटैक करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो प्रोटॉन है ये तो एक्सो पोजीशन पर चला जाएगा, तो यहाँ पर प्रोटॉन था यानी इस आयरन के जस्ट अपोजिट प्लेन पे, लेकिन ये जो ग्रुप जुड़ गया है वो इसी साइड जुड़ा है जिस साइड आयरन है, तो ये क्या है, एंडो अटैक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये हम फाइनल जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरीके का मिलेगा, जहां पर जो HGOAC है जो इलेक्ट्रोफाइल बाइंड हुआ सेम प्लेन में बाइंड हुआ जिस साइड इसमें आयरन सेंटर है। तो एंडो जो अटैक है वो जनरली सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में होता है, और अगर अगर हार्ड इलेक्ट्रोफाइल होगा तो फेरोसिन के केस में जो अटैक है वो कैसा होता है, एक्सो होता है। तो अब आप देखिए यहाँ पर फेरोसिन है, इस पर हमने जो अटैक किया सॉफ्ट हार्ड इलेक्ट्रोफाइल का किया, तो ये इलेक्ट्रोफाइल आप देख रहे हैं COCS3 यहाँ पर जुड़ रहा है, ये जो प्लेन है ये प्लेन ऊपर है और आयरन जो है नीचे प्लेन में है। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर अटैक जो होगा वो एक्सो अटैक होता है जनरली। अब यहाँ पर देखिए हमने ये CH3CO AlCl4 से रिएक्शन जब कराई तो अगेन आप देखिए कि यहाँ पर जो अटैक होगा वो कैसा होता है, एक्सो अटैक। तो अगर हार्ड इलेक्ट्रोफाइल होगा तो एक्सो अटैक होगा, अगर जो अटैक है एंडो होगा, जबकि ये कैसा होगा, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल होगा। मैनिक कंडेंसेशन भी इसी का एग्जांपल है, मैनिक कंडेंसेशन रिएक्शन में ये दोनों कंडेंस होंगे, अभी दोनों कंडेंस हो गए, आप देख रहे हैं कि एक रिंग में जो जुड़ गए हैं, और ये जो अटैक होगा ये कैसा होगा, ये अटैक होगा एक्सो अटैक होगा। तो इस तरीके से मैनिक रिएक्शन भी एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, जो कि ऐसे लिगेंड शो कर रहे हैं जो कि मेटल सेंटर के साथ क्या है, कॉम्प्लेक्स्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा जो न्यूक्लियोफिलिक और जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हैं वो कैसे मेटल से जुड़े हुए लिगेंड शो करते हैं, ठीक है। तो आपने इलेक्ट्रोफिलिक अटैक में क्या देखा, आपने देखा ये जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है वो कहाँ पर होगा, वो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक वहां पर होगा, M है L है, तो ये जो M है जब ये M कैसा होगा, इसके साथ MLN है, जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा यानी ये बैक बॉन्डिंग करेगा, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होगा, तब यहाँ पर कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा तो हैप्टिसिटी हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी, और ये जो अटैक है ये भी कहाँ पर हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है, एक्सो अटैक या एंडो अटैक, और ये भी डिपेंड करता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो किस तरीके का है। इफ इलेक्ट्रोफाइल इज सॉफ्ट देन एंडो अटैक टेक प्लेस, एंड इफ द इलेक्ट्रोफाइल इज hard, then exo attack will takes place, okay. So this is all about the nucleophilic and electrophilic reactions shown by the ligands, the olefinic, the unsaturated hydrocarbons that are attached or complexed to the metal center, okay. So thank you.